मोहम्मद साकिब इन ड्राइव चलाता था और दिन दिहाड़े उसको गोली लगी। रोज कमान क्या से कोई किसे ना नहीं। तो आप लोगों ने पता नहीं करवाया कि गोली चलाने वाला कौन था या किस तरह से गोलियां चली? जो करेगा बस पड़ेगा इंशाल्लाह। रस्से खुले ने ना उन्हें रब दे ऐसे रस्से खोलने ने देखी कैसा रब पूछता। यह हादसा हुआ उस दिन सिटी 42 पे 2:30 बजे न्यूज चली है। गोलियां चलाने की वजह क्या थी? ये होटल यानी कि उस बंदे ने ऑर्डर लेट मिलने पे सिर्फ गोली चलाई है। कहाँ बच्चा जुम्मे का फोत हुआ 11 बजे का, कहाँ हमें परेशानी दे दे कि उन्होंने हमें बॉडी दी। हर बंदे से मिलने वाला बच्चा था, घर में भाभियों से सबसे भाइयों से जान देने वाला था, अपनी भाभियों के बच्चों की सबकी इतनी इज्जत करता था वो। हमने तो रोना ही रोना, लोग रोते हैं उसको। ये सुबह टाइम जब उसके फैक्ट्री जाने का टाइम है ये उस टाइम पापा पापा कर रहा था और शाम में ये सबको रुलाता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना मरोज। नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब की फैमिली के साथ मौजूद हूं। मोहम्मद साकिब इन ड्राइव चलाता था और दिन दिहाड़े उसको गोली लगी और उसको पता भी नहीं था कि ये गोली किसकी उसको आके लगी। उसको गोली लगने की वजह क्या थी या किसने उसको गोली मारी, ये सारा माजरा क्या था, आइए जानते हैं उनके घर वालों से। अस्सलाम वालेकुम मां जी। पता होंगे तो दस दिन दे नहीं, मैं लेटी हाँ 11 बजे मैं जागती पई हाँ। आके उन्होंने दरवाज़ा खड़काया तो साढ़े तो उत्ते अगे अग लगी हुई सी। सानू तो टेंशन होती सी, सानू इस बच्चे की तो नहीं सी टेंशन का पता। मैं कह जो मैं बाहर वेखिया मेरे बच्चे की नहीं साइकिल मुट हो गई, मैं मेरे बच्चे का सिने आ गया। मैं कहता माँ जी दरवाज़ा खोल, मैं मैं नहीं अजय दरवाज़ा खोलना, मैं वेखनी हाँ। तो मैं कोई गल नहीं, एड्डी भी कोई लुट नहीं पी। मैं खोलता दरवाज़ा, मैं खोल के वेख्या 4 जने ने बार अगे रक्षा बंद रक्षा है खड़ोता। मैं की गल है? कहता माँ जी तो बच्चे का नाम की है? मैं बच्चे साढ़े का नाम गली विच दो लेंदे ने, एक मोहम्मद साकिब लेंदे ने ते एक वसीम भी लेंदे ने। तुहाडे वसीम दे ना गोली लत्त दे विच वज्जी है। मैं अपने मुंडे नूं उठाया बाहर कर लिया, दूसरे नूं उठाया। आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे ने मेरे, 2 बेटे 1 बेटी। नहीं नहीं माशा 3 मेरे बेटे ने, 6 मेरी बेटियाँ ने। अच्छा, आपकी 6 बेटियाँ और 3 बेटे, 9 बच्चे हैं। हाँ जी। तो ये जो आपका बेटा था मोहम्मद साकिब, ये घर में पैंपरा होता छोटा है, सबसे छोटा था। हाँ जी। तो ये कब इन ड्राइव ये कब से चला रहा था? महीने दो तीन हो बस। कहता मैं माँ रोजी कमाने जा रहा, बच्चों वास्ते 200 रुपया लैके मैं 2 घंटे च आ जाना। बस अल्लाह की रजा वो रब दे गवाह, उन्हें पता है। 9 बजे 8 बजे गया तो 9 बजे अरसा हो गया, सानू तो मिलता पे 12 बजे सुनिया। फिर मैं बच्चों फोन किया, मेरा भतीजा इधर रहा ये आ गए, उधर मेरी बेटियाँ आ गई, सू अपनी पैसे फिर की ऐ भी तो हो सकता है कि अपनी अपनी किसी नाल कोई लड़ाई कोई अपनी दुश्मनी होए। नहीं नहीं, रोज कमान क्या से कोई किसी नाल नहीं, अल्लाह का गवाह। असी झूठ नहीं मारना इंशाल्लाह, जाना हक सच, जो करेगा बस परेगा इंशाल्लाह। रस्से खुले ने ना उन्हें रब दे ऐसे रस्से खोलने ने वेखी कैसा रब पूछता। साढ़े गरीबों की हाँ लैके बैठेगी इंशाल्लाह। एक जने की मां रोंदी है, सारे की रोंदी है, 6 जने ने हैं, 2 जने तो बच गए ने, 8 जन लगी है हैं। तो वो मामा नहीं दिया मेरे बगैर। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे ये गोली लगी है तो आप लोगों ने पता नहीं करवाया कि गोली चलाने वाला कौन था या किस तरह से गोलियाँ चली? नहीं नहीं पता पता। वहाँ पे मौजूद 8 लोगों को गोलियाँ लगी हैं। हाँ, तो 2 तो बच गए ने। अच्छा, 6 जने, 2 जने पैन सावा थे, 4 लगे। तो वहाँ पे आप लोग गए नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं कि गोली चलाने वाला कौन था? पुत्र सानू नहीं पता इस चीज़ का। वो कहते ने होटल वाला सी, खाना लेट हो गया, उन्होंने आपस में उधर उधर गोलियाँ चला दी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साकिब की बहन और आइए इससे बात करते हैं। आपको जब इतला मिली तो उस वक्त आपको आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया? हम घर आए थे, सबसे पहले फ़ोन आया, हम घर आए हैं और घर आके पूछा, इन्होंने कहा आमिर भाई को तो पुलिस ले गई है साथ। तो मैं, मेरे मियाँ, मेरे भाई, मेरे देवर वगैरह थे साथ, हम उसी तरह घर गए, घर से हमने गाड़ी ली। आप लोगों के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा? कहा था कि टांग पे गोली लगी, वल्ला आलम, क्योंकि वो या वो कह रहे थे कि इन्हें शॉक ना लगे या कोई। किस दिन कितने बजे की बात है?
ये बुध वाले दिन समझ लें कि 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो गया, जुमे रात आ गई। जुमे रात ये 1 बजे मुझे कॉल गई है, मैं पास ही रहती हूँ, बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं मुझे घर से इधर आते हुए। 5 मिनट में हम घर आए, इन्होंने अम्मी वगैरह रो रही थी, भाभी रो रही थी मेरी छोटी भाभी, तो हम उसी तरह जनरल हॉस्पिटल चले गए हैं। उन्होंने जाते सर, उन्होंने कोई यानी कि इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने जाते सर कह दिया कि आपका जो बच्चा है ना मोहम्मद साकिब वो फोत हो गया। जाहिर सी बात है, देखें कॉल्स पे कॉल जा रही हैं, कहाँ गोली लगी, क्या मसला हुआ, हम भी जवाब दे हैं घर वालों को, हमने वैसे ही फ़ोन कर दिया कि वो फोत हो गया। ये हमें लेके गए हैं दिमाग वाली वार्ड में, साथ ही उनकी वार्ड थी, गोली दिमाग में लगी थी, गोली दिमाग पे लगी। जब दिमाग में गोली लगी और वो खुल के शरले बन के उसके दिमाग की हड्डियों की किरची किरची हो गई थी, दिमाग की जो डेथ थी ना उसी टाइम ही हो गई थी, वो मेमोरी थी ही नहीं उसकी। हमें इन्होंने बड़ा परेशान किया हॉस्पिटल वालों ने, हमें कोई यानी कि कोऑपरेट नहीं किया इन्होंने हमारे साथ, यहाँ तक कि हम इन्होंने हमें पहले मिलने नहीं दिया। फिर हम आईसीयू में गए हैं, जब इन्होंने किट वगैरह भाइयों ने चेंज की है तब उसकी पल्स बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। कहते रहे कि ऑपरेट कर दें ऑपरेट कर दें, कब गोली लगी, 9 बजे लगी, 8 बजे लगी, हमें नहीं पता, वल्ला आलम, अल्लाह जानता है। देखें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली आपको? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो भी उन्होंने हमें पता है कितनी परेशानी दे दे के पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद हमें ये डेड बॉडी मिली जुम्मे हफ्ते की 3 बजे, 3 बजे मिली, 3 बजे मिली। देखें कहाँ बच्चा जुम्मे का फोत हुआ 11 बजे का, कहाँ हमें परेशानी दे दे के उन्होंने हमें बॉडी दी। फिर हमारा मगरिब टाइम नमाज जनाजा था बच्चे का, माशाल्लाह देखें हर बंदे से मिलने वाला बच्चा था, घर में भाभियों से सबसे भाइयों से जान देने वाला था, अपनी भाभियों के बच्चों की सबकी इतनी इज्जत करता था वो। जो बच्चा अच्छा होता है ना, अल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा है कि अल्लाह ताला उसे अपने पास बुला लेते। हम माशाल्लाह 6 बहनें, बहुत यानी कि सबसे प्यार मोहब्बत करता था। सब्र दे आप लोगों को। आप मुझे ये बताएं कि इस सारे वाक़े के बाद आप लोग वहाँ पे गए जहाँ पे उसको गोली लगी थी, तो वहाँ पे जाके आप लोगों ने लोगों से नहीं पूछा कि गोली चलाने वाला कौन था, किसने गोली चलाई, कौन सी गोली लगी? देखें जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन City 42 पे 2:30 बजे न्यूज़ चली है कि चुंगी अमर सद्दू के पास पंजाब सोसाइटी है, वहाँ पर गोली चली है, मलक आमिर नामी शख्स, उन्होंने यानी कि नाम बताया, हमें नहीं पता इस चीज़ का। उसने 6 बंदों, उन्होंने 4 बंदों को बोला कि 4 बंदों को गोलियां लगी, उन्होंने ये नहीं डिक्लेयर किया कि हमारे बच्चे को दिमाग पे गोली लगी और वो फोत हो गया। 4 बंदे आए, 4 से 6 हुए 8 हुए, हमें इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन हर जो कार्रवाई वगैरह हर चीज़ हमारी तरफ से हुई है, किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। हम उनसे मिले हैं सबसे, जाके होटल वाले से भी, उन्होंने सब ने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया है, उन्होंने ये चीज़ कही कि हम आपके साथ हैं। देखें हमें इस टाइम हर बंदे की दुआ की ज़रूरत है, हमें हमारे बच्चे के लिए होटल वालों ने चाहिए। होटल वालों ने आप लोगों को बताया कि गोली चलाने वाला कौन शख्स था? वही शख्स था जिसके बारे में न्यूज़ चैनल्स पे खबर चली? जाहिर ही बात है होटल वालों ने बताया कि ये फलाना फलाना बंदा था, उसके उन्होंने गोलियाँ चलाई हैं। और गोलियाँ चलाने की वजह क्या थी? ये होटल यानी कि उस बंदे ने ऑर्डर लेट मिलने पर सिर्फ गोली चलाई है, ऑर्डर नहीं मिला उसे जल्दी, खाना ऑर्डर किया उसने और वो उसका लेट। हाँ जी ये हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। देखें कोई किसी को खाने को नहीं देता और किसी के देने से पूरी भी नहीं पड़ती। सिर्फ हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 1 2.5 साल का है, 1 6 माह का है, उनका क्या कसूर है? मेरी भाभी की उम्र इतनी कम है और खुद बीमार बच्ची है, वो खुद बीमार रहती है, उसको जॉइंट्स का मसला है, तो हम किससे इंसाफ मांगेंगे? हमारी वज़ीर अल्लाह से, ये शहबाज शरीफ से, इनसे बहुत इल्तिजा है कि वो हमारी सुने। हमारी अभी आपके पास ही रहती हैं? अभी हमारे पास रहती हैं, हमारे पास रहेंगी। देखें हम ये मार कुटाई करने वाले, ये लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमारे मेरे 3 भाई हैं, आज तक किसी की किसी के साथ दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, ठीक है। हम उस बच्ची को क्यों भेजेंगे? इस सारे केस में पुलिस का आपके साथ कैसा तामून है? वो अभी भी हमारे साथ कोऑपरेट हो रहा है हर चीज़ का, वो जैसे जैसे भाई को बताते हैं भाई हर काम चला रहे हैं, हमारे साथ कोऑपरेटिव है। लेकिन जो हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ किया ना, उन्होंने 1 CT स्कैन की रिपोर्ट जब से भाई की डेथ हुई है और हमें परसों चौथ मिली है, 1 रिपोर्ट, उस पर भी हमने 6,000 दिया। हर बंदे को हॉस्पिटल में हमने हर बंदे को पैसा दिया, हमारा काम हुआ है, अदरवाइज़ किसी ने कोई काम नहीं किया। आप मुझे ये बताएं कि साकिब भाई किस तरह का था?
मेरा भाई माशाल्लाह बड़ा शहजादा था, सबके काम आने वाला। हमें तो ये ही नहीं पता कि कौन कौन किधर किधर से आके कह रहा है कि ये साकिब हमारे साथ इतना अच्छा था, हमारी इतना कहने मानने वाला, हमारे काम करने वाला, इतना फर्मा बरदार बच्चा है। अभी तक आज 17 दिन हो गए हैं हमारे घर आमद और रफ्त है लोगों की, जिस जिसको जैसे जैसे पता चलता है। हमने तो रोना ही रोना है, लोग रोते हैं उसको। हम तो बहन भाई हैं, हमारे लिए तो सारी ज़िंदगी का रोना है। नाज़रीन, ये दोनों बच्चे साकिब के हैं, ये बच्चा अपने बाप को याद करता है? ये सुबह टाइम जब उसके फैक्ट्री जाने का टाइम है, ये उस टाइम पापा पापा कर रहा था, और शाम में ये सबको रुलाता है, अपने ताओं को, अपने मोहल्लेदारों को, अपनी माँ को, सबको, सब रोने लग जाते हैं रोज़। यही अभी तक ये भूला नहीं है, हालांकि कल कब्रिस्तान लेके गए हैं। इसे क्या पता किसकी कब्र है, इसने बस दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं ये तो अल्लाह जानता है। तो ये अपने बाप के साथ अटैच था ज़्यादा या अपनी माँ के साथ? ये अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। वो उसे मैं कहती थी साकिब बहुत गंदी आदतें डाल रहा है, कहता कि मेरे बाद नहीं ये तंग करेगा, ये नहीं पता कि मेरे बाद क्या है। अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे और इन मासूम बच्चों को भी। आप लोगों की अब आला हुकाम से या इदारों से क्या तवक्को है? हमारी उनसे बहुत इल्तिजा कर रहे हैं, अपील करते हैं कि आके हम हमारी यानी कि सुने, हमारी बात सुने, हमारा जो भी मसला बनता है हमारा सॉल्व करें। देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो करेंगे ना, कोई मंथली हो, कोई उनका। अम्मी भी मेरे अब्बू जी फोत हो गए हैं, बेवा है, आगे से बहू भी बेवा, खर्चा उठाने वाला कोई नहीं। देखें ये इनका फ़र्ज़ बनता है। अब बच्चा हमारा काम करने गया है, माशाल्लाह सुबह टाइम वो स्टाइल फैक्ट्री जाता था, ठीक है, अपना 2 टाइम काम करता था कि मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, और वही बच्चे अब किसी के मोहताज हो जाएंगे। इनका देखें हमारे अदारे बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ ने इतने अच्छे काम किए, हमारी क्यों नहीं कोई सुनवाई कर रहा? आके हमारी, हमारे से पूछें, आके हमारी सुने, हमारी कोई भी पेशरफ्त हो रही है केस में करवाएं, इनका हक बनता है, फ़र्ज़ है। हम हुकूमत से ही कह सकते हैं, क्योंकि हम तो भाई बहुत गरीब लोग हैं, हम कोई इतने ठीक ठाक लोग नहीं हैं। नाज़रीन, दिन दिहाड़े किसी शख्स को गोली आके लगती है और वो भी लाहौर जैसे बड़े शहर में, और ये आज तक नहीं मालूम हो सका कि वो गोली बिलाखिर चलाई किसने थी। तो ये इदारों की गफलत है, ये पुलिस की गफलत है, जबकि CCTV कैमरे जगह जगह पे मौजूद हैं। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।